हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश एसे ऑन डिजिटल इंडिया कोविड-19 एंड लेटर अपॉर्चुनिटीज़। इस एसे के हेडिंग्स हैं इंट्रोडक्शन, व्हाई वाज डिजिटल इंडिया स्टार्टेड, दी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया, की पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, व्हाट विल हैपन टू डिजिटल इंडिया, कोविड-19 एंड लेटर अपॉर्चुनिटीज़। इंट्रोडक्शन। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री श्री नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड अ मिशन कॉल्ड सेल्फ रिलायंट इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट। डिजिटल इंडिया इज अ टूल टू फुलफिल द सेम मिशन। डिजिटल इंडिया इज अ डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट ऑन 1 जुलाई 2015 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इज कॉन्टीन्यूसली डेवलपिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिजिटल इंडिया इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इवोल्यूशन। व्हाई वाज डिजिटल इंडिया स्टार्टेड। डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च्ड टू मेक इंडिया अ कंप्लीट डिजिटल कंट्री। विद द हेल्प ऑफ दिस कैंपेन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल वर्ल्ड विल रीच द पीपल ऑफ इंडिया इजिली। डिजिटल इंडिया इज एन इनिशिएटिव टू ब्रिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पीपल ऑफ इंडिया टू ईच अदर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया वॉज स्टार्टेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कनेक्टिंग रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क्स एंड इम्प्रूविंग डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल इंडिया एम्स टू डिजिटली एम्पावर सोसाइटी। आवर सोसाइटी हैज़ टू प्रोवाइड मोबाइल एंड इंटरनेट सो दैट द फैसिलिटीज ऑफ ई गवर्नेंस कैन बी रीच्ड। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। की पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। नंबर 1, ब्रॉडबैंड हाईवे। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ फोन्स टू ऑल। नंबर 3, एक्सेस टू द इंटरनेट। नंबर 4, ई गवर्नेंस। नंबर 5, ई रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। नंबर 6, नोटिस फॉर ऑल। नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 8, एम्प्लॉयमेंट थ्रू आईटी। नंबर 9, फ्यूचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। व्हाट विल हैपन टू डिजिटल इंडिया। नाउ द पेपर वर्क विल स्टॉप कम्प्लीटली। द लैंड, द रजिस्ट्री ऑफ द हाउस विल हैव कंप्यूटर्स एवरीवेयर। फैसिलिटीज लाइक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, ई बस्ता, ई लॉकर, सीसीटीवी कैमराज इन बस एंड टैक्सी, इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ बीपीओ एंड कॉल सेंटर, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज इन 2.5 लाख विलेज, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ई गवर्नेंस अक्रॉस इंडिया ETC विल बेनिफिट अस अंडर डिजिटल इंडिया। COVID-19 एंड लेटर अपॉर्चुनिटीज। द COVID-19 पेंडेमिक इज एक्सटिंग्विशेस द लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। दिस ग्लोबल क्राइसिस ऑफ हेल्थ हैज नाउ टेकन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक डूम फॉर द इंटायर वर्ल्ड। द COVID-19 पेंडेमिक इज श्योर टू हैव सीरियस एंड फार रीचिंग अफेक्ट्स ऑन द वर्ल्ड। इट इज बिलीव दैट द इकोनॉमिक crisis caused by this epidemic can be worse than the global financial crisis of 2008 or the great economic recession of the early 20th century. Decisions that we will take in the coming few years, historians will surely review decades later how digital technology has redefined the world that individuals, communities, nations have inherited. It is quite clear that due to the outbreak of coronavirus, the process of digitization will be much faster, due to which our technical system and social system will merge together. For example, video conferencing techniques have emerged as a great help in the post-coronation period, helping governments and business establishments follow their social goals to edit their work. It is playing an important role. Due to the outbreak of coronavirus, there will be rapid development in the field of technology, and this development will be on a permanent basis. A lot of new technologies will become a part of our lives. Along with these, consumer-related technologies will also set new records. Therefore, perhaps the most important opportunity for all governments and citizens in the era of this pandemic
will be to realize the possibility of a real global digital world. तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये ऐसे? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.